हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ अ टैंक इंडियन टैंक ओके सो दिस इज द सैंपल ऑफ इंडियन टैंक यू कैन सी हेयर ठीक है तो ये टैंक आपको कैसे बनाना है आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी ओके लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ओके लेट्स स्टार्ट फर्स्ट यू विच मेटीरियल वी यूज इन दिसर इन दिस टैंक इस टैंक को बनाने के लिए हम कौन कौन से मेटीरियल का यूज करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ वी आर गोइंग टू यूज पेस्टल शीट यू हैव टू टेक अ ब्राउन कलर पेस्टल शीट ओके देन यू हैव टू टेक वेस्ट कार्डबोर्ड वन स्ट्रॉ सीजर पेंसिल कटर फेविकॉल फेवीबोंड आपको बॉन्ड यूज करना है काफी जगह पे हम फेविकॉल यूज करेंगे और काफी जगह पे हम बॉन्ड यूज करेंगे ओके एक्रेलिक कलर ठीक है सो यू हैव टू ब्रिंग योर दीज मटेरियल्स फॉर दिस टैंक इस टैंक को बनाने के लिए आपको इन सब मटेरियल्स की नीड होगी अगेन आई एम टेलिंग यू फर्स्ट पेस्टल शीट यू हैव टू टेक ब्राउन कलर पेस्टल शीट कार्डबोर्ड सीजर एंड एक्स्ट्रा also material okay let's start the making of tank okay so सबसे पहला step जो है tank बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे इसका ये वाला part टैंक का बेस टैंक का बेस बनाने के लिए आपको बनाना है एक रेक्टेंगल पेस्टल शीट से उसका साइज आप नोट डाउन कर लीजिएगा पेसल शीट में आपको सबसे पहले 32 inches इसकी लंबाई लेनी है ऐसे ठीक है तो 32 टू इंचज ऑफ मार्क थर्टी टू सेंटीमीटर आपको मार्क करना है थर्टी टू यहां से एंड थर्टी टू यहां से यानी आपको एक रेक्टेंगल शेप बनानी है ओके थर्टी टू आपने ऐसे मार्क करना है ओके okay. अब आपको इसकी जो वृत्त है यानी जो इसकी चौड़ाई है वो आपको लेंगे सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यू हैव टू मार्क इट सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यू हैव टू मार्क सिक्स पॉइंट फाइव यहाँ से एंड सिक्स पॉइंट फाइव यहां से ओके एंड यू हैव टू जॉइन दिस लाइक दिस ओके सो दिस इज Six point five centimeter and this is thirty two centimeter. Okay. Now you have to draw four centimeter line here, four centimeter here, and eleven centimeter. लेंथ ठीक है आपको वन एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लंबाई जिसकी लेंथ है इलेवन और ब्रेथ है फोर सेंटीमीटर यू कैन राइट डाउन राइट डाउन ओके नेक्स्ट रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल यू हैव टू मेक लेंथ इज 11, 11 centimeter and this is the 4 centimeter okay now you have to make one more rectangular shape which is size is 9 centimeter length and width is 2.5 centimeter so this is the point you have to mark uh, 2.5, 2.5, okay. And length is just a second, just a second. You have to mark 2.5. Sorry, 2.5. Okay. yes 2.5 again okay. and length is 9 centimeter okay 9 centimeter and you have to draw the line like this so this is the 9 centimeter point here and you have to make line Okay okay, <clears throat> so this is two point five centimeter, and this is your nine centimeter okay, now you have to cut these rectangulars. first of all you have to cut these rec rectangulars. <coughs> So you can use cutter, or you can use scissor. Okay. So you have to cut this rectangular one, two, three, and you have to cut three rectangulars. Okay. Okay. So when you have to cut your pastel part, so this is the first sub, uh, rectangle shape, 6.5 inches width and 32 length.

सम पॉइंट्स वन सेंटीमीटर का पॉइंट उसके बाद फोर सेंटीमीटर उसके बाद फाइव सेंटीमीटर देन उसके बाद सेवनटीन सेवेंटी सेवेंटीन सेंटीमीटर एटीन सेंटीमीटर देन ट्वेंटी वन एंड देन थर्टी वन प्लीज़ मार्क दिस वंस देखिए फर्स्ट आपको फर्स्ट सेंटीमीटर लेना है सेकेंड आपको फोर सेंटीमीटर पर मार्क करना है उसके बाद फाइव सेंटीमीटर पे मार्क करना है उसके बाद सेवनटीन सेंटीमीटर पे मार्क करना है फिर एटीन सेंटीमीटर पे मार्क करना है फिर ट्वेंटी वन सेंटीमीटर पे मार्क करना है एंड देन उसके बाद आपको थर्टी वन पर मार्क करना है ठीक है सो तो मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूं पहला आपका है वन सेंटीमीटर पे मार्क करना है देन फोर सेंटीमीटर देन फाइव सेंटीमीटर देन सेवनटीन सेंटीमीटर देन एटीन सेंटीमीटर देन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर थर्टी वन सेंटीमीटर ठीक है अब जो आपने इनको मार्क कर दिया है अब आप एक, -एक लाइन इस पर ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से वन देन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव देन सिक्स एंड देन ये सेवन तो आपको ऐसे और ये लाइन्स मार्क करनी है ओके जब आप इन्हें मार्क कर लोगे अब आपका जो बेस है वो बेस बनना रेडी हो जाएगा अब आपको क्या करना है इन सभी लाइंस को फोल्ड करना है फोल्ड करने का एक बेस्ट तरीका है आप अपना कटर लेंगे कटर का जो बैक साइड होता है या तो आप डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे हाथ से या फिर कटर से थोड़ा सा उसको लाइट कट देंगे जैसे मैं दे लूँ सो तो वो थोड़ा और ईजी हो जाएगा आपके लिए जो भी लाइंस हमने डाली है ठीक है तो अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसे फोल्ड करना है तो आपका हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पहले आपने ये फोल्ड किया ठीक है फिर देन इसको फोल्ड किया नेक्स्ट पार्ट को एक बार आप फोल्ड कर दीजिए उसके बाद ये वाला पार्ट फोल्ड किया हम डायरेक्ट हैंड से भी कर सकते हैं अब ये वाला फोल्ड करेंगे हम उसके बाद ये वाला फोल्ड करेंगे हम ठीक है जो जो आपने मार्क किया है वो आपको फोल्ड करना है ठीक है अभी हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं उसके बाद ये फोल्ड करना है ठीक है अब जब आपने ये फोल्ड कर लिया अब हमारा बचा ये वाला ये वाला मैंने मार्क नहीं किया है कटर से तो आप इसे डायरेक्ट हाथ से फोल्ड कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए ठीक है ओके चलिए तो अभी हम फटाफट से इसको कर लेते हैं ले तो जब ये फोल्ड हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है अब आपको बॉन्ड लेनी है या फेविकॉल इट्स अप टू यू चलिए तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल लिया और आपको फेविकॉल इसके यहाँ पे सेंटर में लगा देना है थोड़ा सा पहले लाइक like दिस अब इस हमने जो फोल्ड किया है इसको फोल्ड करते हुए इसको ऐसे पेस्ट करना है अब तो आपने इसको पेस्ट कर दिया है थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे सो दैट कि इसकी शेप आपको सही से मिल सके ठीक है तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं स्लाइंटली ये थोड़ा सा एडजस्ट नहीं था चलिए अब ये एडजस्ट भी हो गया है थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा चलिए तो ये हो गया है थोड़ा सा एडजस्ट और ये आपका यहां से ऐसे पेस्ट हो गया है ठीक है तो जब आप इसको ऐसे पेस्ट कर लोगे हेल्प ऑफ of... ठीक है अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं तो आपको कुछ, कुछ इस तरीके से शेप मिलेगी आपकी टैंक के बेस की यानी इसकी तो आपको ये देखिए आपको ये शेप मिल गई वाली शेप मिल गई सारी ठीक है की इस वाली शेप की तो अब हम इसको ड्राई होने के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं अब उसके बाद आपको क्या करना है जल्दी से जब ये ड्राई हो जाएगा ये अपने आप ड्राई हो जाएगा अब आपको इसके इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को पेसर शीट से कवर करना है ठीक है तो अब इसको कवर करने के लिए आप फेवी बॉन्ड लोगे फेवी बॉन्ड आपको ऐसे अप्लाई करनी है आराम आराम से कि जब आप इसे अप्लाई कर लोगे फेवी को तो आपको अपना अब आपको अपनी एक्स्ट्रा जो पेस्टर शीट है वो लेनी है और थोड़ी सी ले सकते हो आप स्लाइन प्लीट देखिए तो मैंने ये इतनी ली है ठीक है और इसको आपको इस पर रख देना है ठीक है जब तो आप इसको इस पर रख दोगे थोड़ी देर से इसे हम ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका ये वाला पार्ट सारा कट कर लेंगे जब आप ये वाला पार्ट करोगे कट ठीक है जब ये वाला पार्ट कर लोगे ऐसे कट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अब आपको ये सब कट करना है तो जब आप ये वाला पार्ट कट कर लोगे तो आपका ये इस तरीके से कवर हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हो मैंने उधर से इसे कवर कर दिया है यानी आपका इस साइड से ये कवर हो गया है सेम इसी पैटर्न को सेम इसी मेथड को आपको इसको कवर करने के लिए यूज करना है ठीक है तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं ओके तो मैंने सेम पैटर्न यूज किया है इधर इसे भी कवर करने के लिए और सेम पैटर्न यूज किया है इसे इधर से भी कवर करने के लिए तो जब हम उसे कवर कर लेंगे दोनों साइड से इधर से भी इधर से भी तो आपका जो बेस है टैंक का कुछ इस तरीके से आएगा तो बेस आपका रेडी है टैंक का अब हम बनाते हैं उसका ये वाला पार्ट ठीक है अब हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं ठीक है तो आपका बेस रेडी है इसको साइड करते हैं और अब हमारा जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो है ये वाला बॉक्स अब हम ये वाला बॉक्स बनाएंगे ठीक है इस बॉक्स को बनाने के लिए ओके okay, अब आपको लेना है नेक्स्ट रेक्टेंगल और नेक्स्ट रेक्टेंगल में क्या करना है आपको फिर से दो मार्क्स करने हैं ठीक है ठीके? पहला मार्क आपका होगा टू पॉ टू सेंटीमीटर का और दूसरा मार्क होगा आपका नाइन सेंटीमीटर का कैसे आप देख लीजिए एक बार ठीक है तो ये आपका हो गया यहाँ से टू सेंटीमीटर और यहीं से आपको आगे चलना है तो ये नाइन सेंटीमीटर का हो जाएगा ठीक है तो आपको ये है आपका टू ये है आपका नाइन आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है वन एंड टू ठीक है अब जब आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली है अब आपको इसके लिए क्या करना है इसके लिए सबसे बेस्ट है आपको इसको फोल्ड करना है तो आप सेम कटर की हेल्प से फोल्ड कर सकते हो ठीक है या फिर या फिर आप डायरेक्ट हाथ से फोल्ड कर सकते हो हैंड से ठीक है तो आपने इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है और ये भी आपने अंदर की साइड फोल्ड करना है तो इसको आपको पहले अच्छे से इसको फोल्ड करना है ठीक है अब आपने जब इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है तो आपको क्या करना है अगेन आपको क्या करना है अगेन इसमें फेवी बॉन्ड लगाना है तो फेवी बॉन्ड मैं लगा देती हूँ ठीक है आपको इसमें फेवी बॉन्ड लगाना है आपने ये फेब्रिक बॉन्ड लगाना है इसके ऊपर और जब आप ये फेब्रिक बॉन्ड लगा लोगे आपको अगेन वेस्ट यानी आपके इस पार्ट में से आपको अगेन अपना पेस्टल शीट लेनी है एक्स्ट्रा थोड़ी सी और इसको इसके ऊपर रख देना है ऐसे ठीक है जब आप इसे कवर कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं इसको आपको ड्राई होने के लिए छोड़ देना और जब ये ड्राई हो जाए आपको इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर, कर लेना है ठीक है लाइक like दिस ठीक है तो आप जैसे इसे कट करेंगे तो इस तरीके से पहले इसको आपको अच्छे से कट कर लेना है ठीक है ओके तो जब आप एक्स्ट्रा कट कर लोगे उस बॉक्स को तो आपका एक साइड बॉक्स का कवर हो जाएगा यहां से जैसे मैंने इसको कवर किया है ठीक है और आपको सेम इसी पैटर्न में इधर का बॉक्स भी कवर करना है ठीक है सेम तरीके से तो आपको यहां भी सेम अलग अलग से ये फेब्री लगानी है आप हेल्प ले सकते हो अपनी किसी भी बड़े की अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो आपने ये फेवी बॉन्ड लगाया अगेन आपने एक्स्ट्रा पेस्टल शीट ली और इसको रख दिया और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया सो so देट कि आप इसे कट कर लो ठीक है तो आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है ठीक है तो जब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे और आपको ट्राई इसको इसको यहाँ से कट कर देना है और आप जब अब उस पार्ट को कट करोगे तो आपका जो बॉक्स आएगा वो चारों साइड से कवर है ठीक है तो आप देख सकते हो आपका ये चारों साइड से कवर है बॉक्स ठीक है तो अब आप आपके जो टैंक है उसकी दो चीज़ें बन चुकी हैं ठीक है ठीके? इसको आपको ऐसे ही रखना है टैंक के तो आपका ट का बेस बन गया है सेकेंड ये वाला बॉक्स बन गया है अब हमें बनाना है ये वाला बॉक्स ठीक है तो जल्दी से हम चलते हैं आगे अब आपने एक छोटी सी स्ट्रिप काटी थी जिसका साइज है 2.5 और 9 नाइन सेंटीमीटर अब इसमें आपको मार्क करना है 2.5 पॉइंट यहाँ पर और 6 यहां पर ठीक है तो मैंने यहाँ पे ये मार्क कर लिया है ये 2.5 का मार्किंग है ये 2, ये सिक्स की मार्किंग है ठीक है डैट इज टू पॉइंट फाइव एंड दट इज सिक्स एंड टू ड्रॉ अगेन वन एंड देन टू अब आपको क्या करना है ठीक है ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली अब इसके सेंटर में आपको एक सर्कल होल करना है छोटा सा तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे छोटा सा होल करना है और इसको आप कट कर लेंगे ठीक है आप कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कटर ठीक है या फिर आप यूज कर सकते हो पेंसिल की पेंसिल या जो भी आप यूज करना चाहते हो ठीक है तो आपको इसके होल करना है तो देखिए मैंने इसे पेंसिल से होल दिया है आप कंपास से दे सकते हो जिससे भी आप देना चाहते हो तो हम इसको थोड़ा सा और बेटर होल दे सकते हैं ठीक है तो ये आपको होल आगे अब आपको क्या करना है ये जो आपने लाइंस ड्रॉ किए हैं इसको आपको फोल्ड करना है एक, एक फोल्ड आपने यहां से दिया और दूसरा फोल्ड आपने यहां से दे दिया ठीक है ओके तो अब आपको क्या करना है देखो एक लाइन का हमने यहां से फोल्ड दिया इस लाइन का हमने यहां से फोल्ड दिया अब आपको फेविक बॉन्ड लेना है या आप फेविकॉल लेना चाहते हो तो फेविकॉल ले सकते हैं अप टू यू इसको आपको यहाँ फोल्ड करना है और यहाँ इसे पेस्ट करना है ठीक है तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं तो इसको पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हाँ थोड़ा सा आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा और थोड़ी देर आपको इसे होल्ड करना ही पड़ेगा ऐसे तो आपकी जो आप जब होल्ड करोगे और थोड़ी देर वेट करोगे तो आपका जो भी हम इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं ठीक है तो ओके तो हमारा ये ड्राई होके हमारा ये ड्राई हो गया है और ये आ, पेस्ट हो गया है हमारे ट्राइंगल और हमने यहाँ पे बीच में जो हॉल होल किया था वो हॉल भी रेडी है हमारा तो अब हमारे तीनों पार्ट रेडी हैं फर्स्ट पार्ट हमारा ये बेस सेकेंड पार्ट हमारा ये और थर्ड पार्ट हमारा ये ठीक है अब ये जो मैंने होल किया था इसका मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है तो अब हम इसे पहले पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से ठीक है तो पेस्ट करने के लिए आप इसमें फेविकॉल का भी यूज कर अब आपको क्या करना है आपको इसमें फेविबॉन लगाना है आप फेवी लगाना चाहते हैं फेविबोन लगा सकते हैं फेविकॉल लगाना चाहते हैं फेविकॉल लगा सकते हैं फेवी बॉन्ड आप ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा तो आप देख सकते हैं आपको फेवी बॉन्ड अच्छे से ही लगाना है ठीक है और इसको हम यहाँ पे ऐसे जस्ट इसको हम यहाँ ऐसे रख रहे हैं ठीक है अब आप इसको थोड़ा सा प्रेस प्रेस कर सकते हैं। Slankly, तो वो अपने आप पेस्ट हो जाएगा Same, अब आपको क्या करना है अब हम इसको थोड़ा सा साइंटली ऐसे थोड़ा सा उस पर आपको प्रेश, प्रेशर देना है सो so देट ये थोड़ा सा पेस्ट हो जाए अब उसके बाद आपको क्या करना है अब आपको ये जो होल है ये ऐसे इसको आपको ऐसे पेस्ट करना है ठीक है तो आपको इसके इस पार्ट में फेवी फेवी बॉन्ड फेवी बॉन्ड या फेविकॉल जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो लगा सकते हो और इसको हम ऐसे इस पर सेंटर में हम इसके ऐसे लगा देते हैं ठीक है तो तो आपका जो टैंक है ऑलमोस्ट रेडी है अब इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और इसके हम टायर्स बनाते हैं हमें यहाँ पे टायर्स बनाने हैं इसके ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं साइड में और अब हम बनाएंगे इसका ये टायर वाला पार्ट ठीक है इस टायर वाले पार्ट के लिए आपको लेने हैं वेस्ट कार्डबोर्ड ठीक है वेस्ट कार्डबोर्ड और आपको इसमें सर्कल ड्रॉ करने हैं ठीक है ओके तो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल्स सर्कल आप अपने टैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हो ज़्यादा बड़ा सर्कल भी आपको ड्रॉ नहीं करना है और ज्यादा छोटा सर्कल भी ड्रॉ नहीं करना है ठीक है और आपको इसी साइज में ऐसे इसको कट करना है विद हेल्प ऑफ सीजर इसे आपको कट करना है विद हेल्प ऑफ सीजर ठीक है ओके तो जब आप ऐसे आ, का, इस कार्डबोर्ड की हेल्प से ऐसे कट uh, करेंगे सर्कल्स तो आपके पास टोटल सिक्स सर्कल्स होने चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसे हम पेस्ट कर देते हैं बट पेस्ट करने के करने के करने से पहले हम हमारे सर्कल्स रेडी हैं इसको हम साइड कर देते हैं अब हम इतने रेडी कर लेते हैं इसका ये वाला पार्ट ठीक है ये वाला पार्ट रेडी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपको लेना है कार्डबोर्ड ठीक है तो आपको अपना वेस्ट कार्डबोर्ड लेना है इस कार्डबोर्ड में आपको थर्टी टू सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है अच्छा ओके तो आपको क्या करना है तो आप जब इनकी इसकी वीडियो सॉरी इसकी कार्डबोर्ड को कट करेंगे कार्डबोर्ड को कट करने से पहले इसका ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे ठीक है तो जब आप ये रिमूव कर रहे होंगे ठीक है रिमूव कर देते हैं तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं ओके तो आपने अपने कार्डबोर्ड का ये वाला पार्ट रिमूव कर लेना है ठीक है जैसे मैं यहाँ से भी कर देती हूँ आपको थोड़ा तो आपको आइडिया रहेगा तो आपको इसको रिमूव कर देना है अब आपको कार्डबोर्ड का अपना जो साइज लेना है वो लेना है थर्टी टू इंचज सॉरी तो थर्टी टू सेंटीमीटर लंबाई यानी ऐसे आपको इसे थर्टी टू लेना है ऐसे आपको थर्टी टू लेना है बेटा ठीक है और इसकी जो व्रथ रहेगी वो आपकी रहेगी टू पॉइंट फाइव ठीक है तो मैं यहाँ से मार्क कर लेती हूँ ठीक है मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ तो जस्ट अ सेकेंड ठीक है तो जो आपकी मार्किंग है वो मैं रिपीट कर देती हूँ ये जो लाइन है ये आपकी थर्टी टू सेंटीमीटर है और ये जो मार्क है आपका वो टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है ठीक है अब आपको इसे कट करना है और जब आप इसे कट करोगे तो कट करने के बाद आपके पास दो स्ट्रिप्स आएंगी अब इसको आपको सेंटर से कट कर देना तो ये हमने कट कर लिया है ठीक है तो ये स्ट्रिप्स आपके पास आ गई हैं 2.5 इसकी वृथ है और लेंथ है 32 सेंटीमीटर आपको ऐसे टू स्ट्रिप्स लेनी है चलिए अब हम आगे चलते हैं जल्दी से अब आपको अपना हमारा ये जो टैंक है वो हमारा टैंक ड्राई हो चुका है अब आपको यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे इसे लगा लेना है ठीक है तो हम यहाँ पे फेविकॉल लगा लेते हैं आप फेवी बॉन्ड भी लगा सकते हो मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रही हूँ ठीक है तो हम यहाँ पे ये यह लगा देते हैं ये आपका टायर हो जाएगा ऐसे ठीक है सेम आपको इधर भी रिपीट करना है चलिए तो मैंने दोनों साइड टायर्स लगा दिए अपने दिस साइड भी और इस साइड भी तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड टायर्स लग चुके हैं अब इसे हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ठीक है तो अब हम इसका इसे हम ड्राई करने के लिए छोड़ रहे हैं इतने हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे ठीक है इस वाले पार्ट के लिए हमने ऑलरेडी दोनों स्ट्रिप्स कट कर रहे हैं वेस्ट व कार्डबोर्ड से अब उसके लिए आपको बस जस्ट क्या करना है थोड़ी सी फे, फेविकॉल यहाँ लगानी है सारी में और थोड़ी सी यहाँ लगानी है ठीक है देखिए मैंने फेविकॉल अप्लाई कर दी है अब आपको इसको यहाँ रखना है थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा आपको थोड़ी देर आपको इसको ड्राई होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि ये पेस्ट हो जाए ठीक है थीके? थोड़ा सा आपको इसे ड्राई करके रखना ही पड़ेगा तो अभी हम इसको आ, वेट कर रहे हैं ड्राई होने का ठीक है ओके okay, तो आपने ये वाला कवर कर दिया है देख लो आप मैंने इसको कवर किया है आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब जैसे आपने ये वाला पार्ट कवर किया है आपको सेम आपको सेम यहाँ भी इसे ऐसे फोल्ड ऐसे करना है आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए तो हम इसको और थोड़ा इसको ऐसे ऐसे कवर करना है ठीक है सेम इसको इस तरीके से कवर करना है ओके okay, तो अब आपने जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से किया था ये वाला पार्ट भी मैंने कवर कर दिया है तो आपका जो टैंक है वो ऑलमोस्ट रेडी है ठीक है जल्दी से हमने इसको कवर कर दिया है ठीक है ऑलमोस्ट ये पूरा कवर है अब आपने जो होल किया था यहाँ पे होल करने के लिए अब आपने मैंने आपको आपको एक स्ट्रॉ यूज़ करनी है जैसा कि मैंने आपको बोला था अब आपको स्ट्रॉ को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कट करना है और इसमें इसको ऐसे आपको इसमें ऐसे लगाना है और इस हिसाब से सिर्फ इतना अपने अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो ठीक है तो हम इसे कट कर देते हैं तो मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ अपने अकॉर्डिंग चलिए तो आपका जो आ, ये टैंक है ऑलमोस्ट रेडी है इसको आपको इसको कहीं पेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है मैंने आपको पहले ही से ही बोला हुआ है कि जो आपका ये टैंक है ठीक है तो ये ऑलमोस्ट आपका रेडी है ठीक है अब आप इसमें आप एक चीज कर सकते हो अब आपको ब्राउन कलर का एक्रेलिक कलर लेना है ठीक है और इस ब्राउन कलर को एक्रेलिक कलर को इस जो आपका ये ब, आ, ये वाला पार्ट है इससे आपको इसे कर, कवर करना है ठीक है तो हम जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं तो मैं इसे ब्राउन कलर से फिल कर रही हूँ तो आपको ये पूरा ऐसे फिल करना है ठीक है सो देट ये इसी में मर्ज हो जाए आप ध्यान से देख सकते हो ये इसी में मर्ज हो जाएगा तो आपको ये वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है इसका आपको एक्रेलिक कलर ही यूज करना है एक्रेलिक कलर इज बेटर होते इज बेटर ठीक है तो देख सकते हो ओके तो मैंने क्या किया बेटा लास्ट में मैंने जो आपका ब्राउन एक्रेलिक था उसको मैंने ओवरऑल पूरे आपके टैंक में फिल कर दिया है तो इट लुक लाइक बी गुड रिजल्ट सो आप देख सकते हैं ठीक है मैंने आपके टायर्स जो हमारे टैंक के टायर्स थे हमारे टैंक का जो पाइप है सबको मैंने कवर कर दिया है तो आपका जो टैंक है वो रेडी है ठीक है तो आप देख सकते हो तो नाउ योर टैंक इज रेडी मैं आपको सारी साइड से दिखा रही हूँ ठीक है लास्ट में हम इसे ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हैं ठीक है तो आपका ये जो टैंक है वो रेडी है